षटतिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी में तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। पहला, तिल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिलोदक यानी तर्पण करना देवताओं और पितरों को। चौथा, तिल का हवन करना। पांचवा, तिल का भोजन करना। छठवा, तिल का दान करना। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और षटतिला एकादशी के बारे में बताइए। नारद जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान श्री हरि ने उन्हें षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाई। बहुत पहले की बात है, एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह एक मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या गरीबों को अन्नदान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, तथा इसकी वैकुंठ लोक में भी प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह से एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर में अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए, तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महत्व बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अर्थात मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथक का सार कुछ इस प्रकार है। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसे ही प्राप्त होता है। अर्थात धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। धन्यवाद।